फ्रेंड्स, उर्वशीस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मकई नो चिवड़ो की रेसिपी। इसको मैंने फ्रेश अमेरिकन मकई से बनाया हुआ है और इसको कैसे बनाना है आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। मकई नो चिवड़ो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसमें मेन इंग्रेडिएंट है मकई के दाने, दूध, ये दो अमेरिकन मकई ली है जिसके दाने निकाल के रखे हुए हैं और इसमें से थोड़े से दाने मैंने साबुत रखे हुए हैं अलग से ताकि ये अलग से डालने हैं। काजू, तेल, 3/4 कप दूध, अनार के दाने, नींबू की स्लाइसेस, गरम मसाला 1/2 चम्मच, तिल, चीनी, अदरक मिर्च का पेस्ट, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 10 से 12 कड़ी पत्ते, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक और ड्यूटी मसाले। तो ये जो दाने हैं वो हम इस तरह से मिक्सर जार में ले लेंगे और इसको दरदरा पीसना है। 1/2 बाउल भर के ही हमें इसको दरदरा पीस के रेडी कर देना होगा। तो ये देखिए, ये मकई के दाने को मैंने दरदरा पीस के रेडी कर दिया है। आप देख सकते हो इसको बारीक नहीं करना है। ये देखिए, ये पूरी तरह से दरदरा है, बिल्कुल भी इसका पानी दिखता नहीं है हमको। इसके कॉर्न्स में भी पानी का प्रोपोर्शन रहता है। तो अब हम बाकी के मकई के दाने भी इसी तरह से दरदरा पीस के रेडी कर देंगे। तो ये देखिए, सारे कॉर्न्स मैंने इस तरह से दरदरा पीस कर रेडी कर दिया है। तो अब आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं तेल लेने वाली हूँ। तो 2 टेबलस्पून मैं तेल लेने वाली हूँ। इसको अच्छी तरह से हम गरम होने देंगे। तो ये देखिए, तेल गरम हो गया है। तो इसमें मैं डालूँगी राई, 1/2 टीस्पून राई मैंने ली है। राई तड़कते ही हम इसमें हींग डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैं हींग लेने वाली हूँ। हींग का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। आप अपने स्वाद के अनुसार हरी मिर्च ले सकते हो। इसमें हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी ली है। कड़ी पत्ता 10 से 12। और अब हम 1 टीस्पून तेल डालेंगे, सफ़ेद तिल लिए हैं। इसको हम इस तरह से सौते कर लेंगे। अब हम इसमें ये कॉर्न्स डालेंगे जिसको हमने दरदरा पीस लिया था। कॉर्न्स डालने के बाद ये 1/2 चम्मच अदरक मिर्च का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक डालने हैं हमें। और ये 1/2 टीस्पून नमक लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून हल्दी। और ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको सेकेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद तुरंत हम इसमें ये कॉर्न्स के दाने भी डाल देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से सीख जाए। तो ये देखिए, ये सीख गया है, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये सीख के रेडी हो गया है। ये डार्क येलो दिखने लगेगा, आप देख सकते हो इसका कलर ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के इसको मिक्स करेंगे। मैंने अभी 1/2 कप दूध यूज़ किया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डालना है ताकि ये एकदम से अंदर गट्ठे ना हो जाए इसमें। इस तरह से सेकते हुए हम वापिस थोड़ा दूध ऐड करेंगे। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और जब मानसून हो तो उस समय तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये गरम गरम खाने में। तो ये मैंने 3/4 कप दूध का इस्तेमाल कर लिया है और इसको मैं मिक्स करके रेडी कर दूंगी। और थोड़ी देर के लिए हमें इसको ढक देना होगा। 5 मिनट के लिए इसको ढकने के बाद वापस इसको खोलेंगे। तो
तो आइए एक बार खोल के देख लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से मिलाने के बाद ये देखिए ये कुक हो गया है। फिर भी एक दो मिनट के लिए और कुक करेंगे। और इसमें कुक करते हुए हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने। और ये तिल और गरम मसाला ये भी डाल देंगे हम। शुगर ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, मैंने 3/4 टीस्पून शुगर ली है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके सब रेडी कर देंगे। तो मैं इसको एक बार और ढक के तीन मिनट के लिए रखना चाहूँगी। दो मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें ये ढक्कन खोलने के बाद मैं धनिया जीरा का पाउडर डालूँगी। धनिया जीरा का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे, 2 टेबलस्पून जितना धनिया जीरा का पाउडर डालेंगे। और 2 मिनट के बाद मैंने जो ये ढक्कन खोला है तो ये देख सकते हो आप ये कुक हो गया है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए और सेकना होगा। तो ये देखिए मैंने गैस की आंच अब फुल कर दी है और इसको थोड़ी देर के लिए चलाते हुए हम सेकते रहेंगे। ये इस तरह से सेकने से जो कढ़ाई है उससे अलग हो जाएगा और एकदम ये अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हो ये कढ़ाई से अलग होने लगा है। तो ये कम्प्लीटली अभी सीख के रेडी हो गया है। तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसमें अब मैं हरा धनिया डालूंगी। हरा धनिया डालने के बाद इसमें मैं नींबू डालने वाली हूँ। हमेशा नींबू जो है वो लास्ट में ही डालना चाहिए ताकि इसका स्वाद बरकरार रहे। और थोड़े से काजू हम अंदर भी डालेंगे और अनार के दाने भी अंदर डालेंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी रखना है। तो ये अभी कम्प्लीटली बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में ले लेंगे। तो इसको मैं अब ये अनारदाना और नींबू के साथ इस तरह से सर्विंग में सर्व करने वाली हूँ। और गार्निशिंग के लिए हम ये काजू का यूज़ भी करने वाले हैं। आप अगर किशमिश रखना चाहो तो किशमिश भी रख सकते हो। थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे और थोड़े से सफ़ेद तिल का भी इस तरह से गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही दिखने में भी अच्छा और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। ये मानसून के समय खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए ये मकई नो चेवड़ो की रेसिपी रेडी है। आप भी ट्राई करना, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।